बात करेंगे बालम खीरा के बारे में। ये बालम खीरा बहुत ही कारगर औषधि है, लंबे लंबे फल लटके रहते हैं, ये आसानी से मिलने वाला पेड़ है, थ्रू आउट इंडिया हमें मिल जाता है आसानी से। इसको पथरी के रूप में प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छा गुर्दे की पथरी को निकालने के लिए, इससे ऊपर कोई औषधि नहीं है। आप इसका काट के इसका काढ़ा बना सकते हैं, जैसे 1 किलो बालम खीरा ले लें आप, उसके टुकड़े करके और 2 किलो पानी में उबालें, जब 1 किलो रह जाए तो उसको छान के दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम एक एक कप पिए, तो ये गुर्दे की पथरी को 100% निकाल देगा। इसी प्रकार से पेचिस है, पेट में दर्द है, गैस है, अफारा है, उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसी प्रकार से काढ़ा बना के आप ले सकते हैं। जिनको डायबिटीज है, शुगर के पेशेंट है, उसका चूर्ण बना लें, इसका सुखा के धूप में इसका चूर्ण बना लें, 3 से 5 ग्राम चूर्ण सुबह शाम लें, तो डायबिटीज के पेशेंट्स को, न्यूमोनिया के पेशेंट्स को, अर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं जिनको जोड़ों का दर्द है या पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर की प्रॉब्लम है, तो इसके फल या इसकी छाल, जो इसके पेट की छाल है, उसको रगड़ के लगाने से अर्थराइटिस के पेशेंट्स को लाभ मिलता है और बवासीर में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि ये जो बालम खीरा का पेड़ आपको आसानी से मिल जाता है, हर जगह लटका रहता है, इसका आप प्रयोग करना सीख लें और इसका लाभ उठाएं। खासकर गुर्दे की पथरी वाले पेशेंट्स को विशेष रूप से ध्यान रखें कि गुर्दे की पथरी को, तो ये रामबाण औषधि है, लगातार 10-12 दिन पियेंगे तो गुर्दे की पथरी निकल जाएगी। इसी प्रकार से जो निमोनिया के पेशेंट्स हैं, निमोनिया में भी इसका काढ़ा आप पी सकते हैं। कई बार माताएं बहनों को आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो इसमें भी इसका काढ़ा पिया जा सकता है, बहुत लाभकारी है, या इसका चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, इसका प्रयोग करके आप अपने बहुत से रोगों को ठीक कर सकते हैं, और विशेष रूप से पेचिस में बहुत कारगर है ये पेचिस, जिनको बार बार अल्सरेटिव कोलाइटिस या दस्त लगते हैं उसमें भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करें, क्योंकि अगर डायरेक्टली इसका प्रयोग करेंगे ये पॉइजनस है, जहरीला होता है, इसको हमेशा सुखा के या इसका काढ़ा बना के ही लें, या इसका पाउडर बना के लें, अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली एज इट इज ले लेंगे तो ये कई बार पॉइजनस में होता है, और यदि किसी अच्छे चिकित्सक की आप राय लेके लेंगे तो बहुत लाभकारी रहेगा। तो आप सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख के इसका लाभ उठा सकें। दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, UP, पश्चिम बंगाल, हर जगह ये पेड़ आसानी से मिल जाता है, तो इसको आप प्रयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।